काम है एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर एंड एरियल बर्ड कल्चर, ये हमारा एंट्रेंस है, ये हमारा गार्ड हाउस है, ये हमारा फार्म हाउस है। देन चिक एंड एग प्रोडक्शन की ये हमारी इंक्यूबेशन हैचरी यूनिट है, जहाँ उसे इस्टेब्लिश करने के लिए पहले हम फ्यूमिगेशन करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के इंसेक्ट एंड पेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। देन हम आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन और नेचुरल इंक्यूबेशन यूज करते हैं, नेचुरल कमर्शियल पर्पज के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए हम आर्टिफिशियल यूज करेंगे। इसमें 1058 एग ऑटोमेटेड इंक्यूबेटर में आराम से इंक्यूबेट हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का होता है। देन 21 डेज कंप्लीट होने के बाद कैंडलिंग होगी, कैंडलिंग या फिर ग्रेडिंग। उसके बाद 21 या 20 डेज पे हैचिंग होगी, देन ब्रूडिंग होगी। ब्रूडिंग में स्मॉल चिक्स का केयर करने के लिए उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। देन चिक्स को हम हमारे पोल्ट्री फार्म में शिफ्ट करेंगे, वहाँ उनका फीडिंग होगा और उनका जो रेसिड्यू है या उनका मैन्योर है वो हमारे फिश पॉन्ड में जाएगा, जहाँ पॉन्ड में एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, एल्गी, ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे, ग्रो करेंगे। देन उस फिश उसे ईट करेगा, उससे उसका ग्रोथ होगा। देन वही वाटर जो ऑर्गेनिक रिच है, ऑर्गेनिक मैटर रिच है, वो हम हाइड्रोपोनिक या हमारे फील्ड में यूज करेंगे। और उसी फील्ड में हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करके नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करेंगे और वो हम जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा जो भी क्रॉप रहेगा उसको हम हमारी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो हमारा चिक्स और एग प्रोडक्शन होगा उससे हम अपना शॉप भी खोल सकते हैं।